जैसे कि पहली कहानी में हमने ये सुना था कि उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने महाबलशाली भीम को किस प्रकार हराया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आगे की कथा, आगे की कथा में क्या हुआ वो देखते हैं। देखिए, तो बर्बरीक का वध कैसे हुआ, मतलब क्यों भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सर को धड़ से अलग किया, तो आइए वो जानते कथा। एक बार क्या हुआ, पृथ्वी माता पापियों के बोझ से बहुत पीड़ित हो गई, तो उन्होंने देवताओं से विनती की कि आप हमारे बोझ को कम कीजिए। तो सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास गए, फिर वो लोग विष्णु जी के पास गए। तब विष्णु जी ने कहा ठीक है, हम अवतार लेंगे द्वापर युग में और धरती का बोझ कम करेंगे। तो देखिए वहाँ पर देवताओं के साथ यक्ष भी गए थे, तो उसी में से एक यक्ष था जिसका नाम था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, सूर्यवर्चा। उसे अपनी शक्ति का बहुत घमंड था, तो उन्होंने क्या कहा कि इतनी छोटे से काम के लिए आप लोग धरती पे जाएंगे, आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी धरती को बोझ से विहीन कर देता हूँ। इस पर भगवान ब्रह्मा को, देखिए क्या लिखा हुआ है, सुवर्चा कैसे कहने पर ब्रह्मा जी कुपित हो गए, वो गुस्सा हो गए, ठीक है, फिर उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब महाभारत का युद्ध आरंभ होगा, जब दैत्यों दुष्टों का नाश होगा, तो उसके आरंभ में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो दोस्तों इसी पाप के कारण, मतलब इसी गलती के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उनका मस्तक काट दिया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो देखिए क्या हुआ, हाँ, इसीलिए उनका सर काट दिया था। अब जैसा कि बाकी कथा तो बहुत कॉमन कथा है कि जब ये लोग ये सोचने लगे कि महाभारत में कैसे इतने बड़े बड़े कौरवों का, मतलब जो इतने बलशालियों का कैसे नाश होगा, तब बर्बरीक ने कहा कि आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं दो घड़ी में ही समस्त कौरवों का नाश कर दूंगा। बर्बरीक ने क्या कहा, मैं दो घड़ी में ही कौरवों का नाश कर दूंगा। तो उन्होंने पूछा तुम कैसे दो घड़ी में नाश कर दोगे, तो फिर उन्होंने उसने क्या किया, बर्बरीक जी ने क्या किया, उन्होंने धनुष पर बाण उठाया और बाण में वही लाल भस्म डाली जो मैंने आपको पहले भाग में बताई थी, जो नागों ने उन्हें दी थी, वो लाल भस्म डालकर उन्होंने उसको छोड़ दिया बाण को, जिससे जो लाल भस्म थी वो धूल के स्वरूप में, देखिए इस चित्र में भी दिखा हुआ, देखिए धूल के स्वरूप में सभी कौरवों के शरीर से लग गई और उस स्थान पे लगी जो उनका कमजोर स्थान है, तो इस प्रकार लग गई। तो बर्बरीक ने कहा कि अब देखिए अगर मैं दूसरा बाण का संधान करूंगा तो ये बाण उनके उन मर्म स्थानों को भेद देगा और उनकी तत्क्षण मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसे अभिमान में बोला। ऐसा कहते ही देखिए यहां पे देखिए क्या हुआ, फिर देखिए यहां पे क्या लिखा है, ऐसा कहते ही वे सब लोग बर्बरीक, हाँ फिर क्या हुआ, युधिष्ठिर ने उनकी तारीफ की, सब लोग साधु साधु करने लगे जिससे बहुत ज्यादा कोलाहल छा गया। बर्बरीक ने ज्यों ही ये बात कही क्यों ही भगवान श्री कृष्ण कुपित हो गए, क्योंकि वो घमंड था, तो उन्होंने अपने तीखे चक्र से उसकी गर्दन, मतलब बर्बरी जी की गर्दन काट दी। ठीक है, फिर क्या हुआ अब देखिए, तो फिर उसके बाद लोगों ने पूछा कि आपने क्यों उनकी गर्दन काट दी, तो फिर वही कथा उन्होंने बताई पूर्व जन्म वाली जो मैंने अभी आपको बताई थी। फिर क्या हुआ, देखिए क्या होता है, श्री कृष्ण भगवान ने फिर क्या किया, फिर श्री कृष्ण भगवान ने देखिए, ठीक है देखिए, फिर श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया, देखिए देवी का आवाहन किया, देवी प्रकट हुई और देवी से कहा कि इस, देखिए क्या लिखा है, देवी यह भक्त का मस्तक है ठीक है, इस पर अमृत से सींच दीजिए। ठीक है, क्योंकि देवी के पास अमृत है, तो उन्होंने कहा कि अमृत साहब से सींच दीजिए और राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दीजिए, मतलब वो सर अजर अमर हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया कि उनके सर को अजर अमर बना दिया, समझ रहे हैं आप, उन्होंने उसे अजर अमर बना दिया और जो उनका देह था, मतलब जो
बॉडी थी उसका उन्होंने संस्कार कर दिया, लेकिन शीश का संस्कार नहीं किया और वो अजर अमर हो गया। तो दोस्तों वही बात है कि आज खाटू वाले श्याम जी में बर्बरीक जी का सर पूजा जाता है, क्योंकि सर उनका अजर अमर है।